70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक एवं भाजपा सदस्य जनपद बरेली उत्तर प्रदेश, मेरे व मेरे पुत्रों के नाम से तहसील फरीदपुर जनपद बरेली उत्तर प्रदेश में खसरा नंबर 541 542 544 मिलजुला 544 बा 559 560 नंबरों से संक्रमणीय भूमि है। इस भूमि पर महाका भूमाफिया अनिल राणा अपने संगठित गिरोह द्वारा पुलिस प्रशासन की साठगांठ एवं मिली भगत से अवैध कब्जा, अवैध बिक्री, अवैध निर्माण बगैर किसी हक, बगैर किसी स्वामित्व के करा रहा है। भूमाफिया अनिल राणा ने जमीन पर अवैध कब्जा, अवैध बिक्री, अवैध निर्माण के उद्देश्य से अपने गिरोह के साथियों द्वारा हम पर कई बार जानलेवा हमला किए, जिस कारण हमें अपना फरीदपुर का निजी मकान छोड़कर बरेली किराए के मकान में रहना पड़ा। इसी भूमाफिया अनिल राणा ने अपने संगठित गिरोह द्वारा हम पर व हमारे पुत्रों पर कई झूठे एवं फर्जी मुकदमे लिखाकर हम पर गंगेतर तक लगवा दी गई। इस पूरे प्रकरण की शिकायत हमने थाना, तहसील, जनपद, मंडल, शासन स्तर, माननीय अध्यक्ष राजेश प्रसाद, महामहिम गवर्नर साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार एवं माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार तक शिकायती प्रार्थना पत्र दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में दिनांक 26/12/2017 जिस समय हमारी जमीन बिल्कुल खाली थी वहां जाकर हमने अपना शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसकी संदर्भ संख्या हमारे पास है। इसके साथ ही कई बार महामान्य मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पोर्टल नंबर सीएम हेल्पलाइन जिसका नंबर 05-22-1076 है, उस पर हमने अपनी शिकायत दिनांक 8/2018 पंजीकृत कराई, जिसका हमारे पास संदर्भ संख्या है। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो पोर्टल उसकी संदर्भ संख्या 19 हमारे पास है। यही अभी हम जो 1076 पे आज भी फोन किया हमने तो वहाँ ये बताया कि आपकी 21/2/2021 हो गई है। तो मैंने उनसे कहा 21/2/2021 हो गई है, आपके हमारे यहाँ पोर्टल पे 8/2018 है, जिसकी संदर्भ संख्या ये है। इसके साथ ही इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में दिनांक 26/12/2017 को शिकायती प्रार्थना पत्र पा दिया, उसकी संदर्भ संख्या ये है। और भी कई बार दिया है तो हम 3 साल से पीड़ित हैं, हर तरह से हम पे उत्पीड़न हो पा, हम पे इन अधिकारियों ने भूमाफिया अनिल राणा को अवैध कब्जा, अवैध बिक्री, अवैध निर्माण के उद्देश्य हम पे कई बार जानलेवा हमला इन्हीं अधिकारियों ने कराए हैं। यही अधिकारियों ने फर्जी में झूठे मुकदमे में हम पर बाद में गंगेतर तक हम पर लगाई है। तो हमारा हर तरह से उत्पीड़न हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो न्यायप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय, ईमानदार, साफ सोच सभी के हैं, उन्हीं के शासनकाल में ये प्रेस अधिकारी कर रहे हैं। तो हम इस उद्देश्य से इन सबको सद्बुद्धि आए, 1 घंटे यहाँ प्रतिदिन गायत्री महामंत्र का जाप करते हैं। ओम भूर्भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।